उदयन क्लब की तरफ से आज एक ब्लड कैंप और हेयर एडिंग का कैंप रखा गया, उसमें डॉक्टर अशोक मालपानी जी को भी इनवाइट किया गया जो हार्ट प्रिवेंट पे उन्होंने अपनी बात रखी। तो सर ये बताइए कि आज का ये कार्यक्रम जो आप आए, तो इस कार्यक्रम के बारे में बताइए कैसा लगा आपको और इसमें आपको। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अपने कंट्री में प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर हार्ट डिजीज हो गया तो वो एक वन वे हाईवे है कि बाद में ट्रीट करते जाना पड़ता है, पर अगर उसको अपन रोज रोक सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली जब ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है और अपने पास रिसोर्सेज की कमी है, तो अगर हम इस डिजीज को रोकते, और मुझे खुशी है कि उदयन क्लब ने इस चीज़ में पहल की है ताकि लोगों को जागृति आए ताकि कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं। मैंने जो रिस्क फैक्टर्स है उसको गिनाया और हम उसको कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा की, और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर क्रॉस क्वेश्चंस किए और उसमें उनका एंथुजियाज्म दिखा कि वो काफ़ी मैसेज लेके घर जा रहे हैं। हाँ, बात की मुझे बहुत खुशी है। ये कार्यक्रम कलकत्ता सीनियर सिटीजन फोरम की तरफ से भी किया गया, तो उनके अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, तो सर ये बताइए इस कार्यक्रम करवाने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा, किस लिए आज ये कार्यक्रम करवाने का आपका? ये हमारी एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम के सिलसिले में और श्रृंखला में ये लंबी कड़ी है। आज बहुत सी संस्थाएं अपने आप में जो है लगता है कि भाई हम कैसे करेंगे, नहीं कर पाते हैं। जब संयुक्त रूप से कोई चीज़ करते हैं तो उसमें रीच आउट प्रोग्राम जो है वो डीपर पेनिट्रेट करता है, ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाते हैं। और जो चीज़ डॉक्टर मालपानी ने आज सिर्फ उदयन के प्लेटफॉर्म में की होती तो हो सकता है अटेंडेंस कम मिलती, इनको निराशा होती। आज 3-4 प्लेटफॉर्म यहाँ पर संयुक्त रूप से यहाँ पर हाजिर हुए और सेम मैसेज जो है ज़्यादा लोगों तक तो पहुँच पाया, और इनका सामाजिक तौर पर जो है ये हमको ज़्यादा डीपर बेनिफिट मिला। हम लोगों का हमेशा एक चेष्टा रहता है कि कैसे हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा डीपर वे में रीच आउट कर सकें। बिल्कुल। और ये कार्यक्रम, ये जो कैंप हुआ, ये क्योरवेल की तरफ से हुआ, तो क्योरवेल पे सर अनूप जी बताइए कि ये क्योरवेल की तरफ से आप लोग ने जो कैंप किया ये कैसा रहा, ये कितना सफल रहा आज का ये? सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा उदयन क्लब, कोलकाता सीनियर सिटीजन्स फोरम और माहेश्वरी एंटरप्रेन्योर्स प्रोफेशंस फोरम को, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया, जिन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम क्योरवेल के तत्वावधान में यहाँ पर फ्री ब्लड टेस्ट कैंप कर पाएँ, फ्री हियरिंग स्क्रीनिंग कर पाएँ। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा जो ये कार्यक्रम था, हम अपने दिल से ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा सफल रहा। कुल मिला के 90 से 100 लोगों ने अपनी रक्त की परीक्षा करवाई, जिसमें सभी तरह के खून ब्लड टेस्ट हुए हैं, HbA1c, TCDC, ESR, फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर, इस तरह की सारी टेस्टिंग। इसके सिवाय हमारे यहाँ चूँकि एक विशेषता है, हम लोग हियरिंग की ऑडियोलॉजी टेस्ट भी करते हैं, तो हम लोगों ने फ्री हियरिंग टेस्ट भी करवाया लोगों का। चूँकि हमारी कोलकाता सीनियर सिटीजन्स फोरम जुड़ी हुई थी, सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की जो उम्र है ज़्यादातर 50 या 55 के ऊपर है या 60 के ऊपर है, तो इस कारण से हमने ये उचित समझा कि हेयरिंग स्क्रीनिंग भी करवाई जाए। तो इसलिए हमने सोच विचार करके हेयरिंग स्क्रीनिंग भी करवाई, और मैं वापस से पुनर तहे दिल से उदयन क्लब एंड बाकी दोनों संस्थाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। बिल्कुल, ये कार्यक्रम को संयोजन करने का पूरा भार जो था वो ऋषि खटोर जी पे था, तो सर आप बताइए कि ये कार्यक्रम को किस तरह से आपने इसको पूरी तरह लोगों के सामने इसको रखा? आज हमारे उद्यान में कमेटी में, महेश्वरी फोरम में कमेटी में बात उठती है कि यंग लड़के जो है हार्ट अटैक का शिकार है, तो वहाँ से ये चर्चा उठी। फिर हम लोग बोले कि हमारे बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर मालपानी हैं, उनको रिक्वेस्ट किया जाए, उनको बोला जाए कि वो बहुत अच्छे तरीके से समझाएं लोगों को, तो आज ये उसी कारण से हुआ है। और क्योरवेल भी हमारे अनूप जी हैं, फेलो CA हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहायता दिया, और हमारे डॉक्टर RB लीला हैं क्लब में, जो कि मेडिकल कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी अपना सुझाव दिया कि कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं करके, सबके सहयोगिता से, पुरुषोत्तम जी की सहयोगिता से हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया।